ना सामान क्यों नहीं बेचना है? नहीं बेचना, हमें नहीं बेचना। आपको नहीं बेचना है कि आपको ऑर्डर्स दिए गए कि बेचना? नहीं नहीं, हमें नहीं बेचना, हमारा मन नहीं है, हमें नहीं बेचना। दीपावली का त्यौहार पंच महोत्सव का त्यौहार है। ये त्यौहार सभी के लिए खुशियां लेकर आता है। इसे लेकर दुकानदार भी कई महीने पहले से ही तैयारियों में जुट जाते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में मौजूद हैं। जहां पीछे देखेंगे कि कुछ हैंडीक्राफ्ट्स भी लगे हुए हैं, झालर लगे हुए हैं, तोरण लगे हुए हैं, कुछ सजावटी लड़ियां लगी हुई है। हम दुकानदारों से जानेंगे कि मेक इन इंडिया के तहत उनको क्या फायदा हो रहा है। आंटी आप कब से बेच रही हैं ये? बेटा मैंने एक हफ्ता से बेच रही हूँ। महीना दिन से मतलब करवे वगैरह लगा रही थी, लेकिन दीपावली के जो सामान है एक हफ्ते से लगा रही हूँ, लेकिन इसमें जान नहीं है। इस बार बिल्कुल ही काम धंधा नहीं है। काम नहीं है मतलब कैसे, क्यों? क्यों बेटा ये समझ में नहीं आ रहा है। जो यहाँ हमें 30 साल हो गया लगाते हुए, लेकिन कभी ऐसे नौमत नहीं आया, लेकिन इस बार तो बहुत परेशानी है। काम धंधा है नहीं, कस्टमर आ ही नहीं रहे। जो कस्टमर मतलब 10 के हम खरीद के लाते हैं, वो 8 के कहाँ से दे देंगे? कस्टमर ऊपर चढ़ा के पैसे ही नहीं दे रहे। मोल भाव करते हैं कस्टमर? बहुत मोल भाव कर रहे हैं, अब क्या करें। तो आपके परिवार में कितने लोग? हम परिवार में 6 जने। सभी लोग डीओ का काम करते हैं? हाँ बेटा, सारे जने। अलग अलग जगह से? नहीं मतलब 6 बजे हमने 2 ठेला लगा रखे हैं, 2 जगह रहते हैं। दिन में अभी मैडम कुछ खास नहीं है, 3,000-4,000-5,000 रुपए तक है अब। हाँ जी। और साल के बाकी दिन आप क्या करते हैं फिर? साल के बाकी दिन जुराब को भी बेचते हैं हम। दूसरी लड़ियां हम देख रहे हैं, ये सारी क्या है? ये भी सजावट के लिए होता है। ये भी हाँ जी, ये झूमर है, गेट पे लगा दीजिए या घर के बाहर लगा सकते हैं आप, गेट के बाहर। अच्छा ये बताएंगे कि ये जो जितनी भी सारी चीजें बनी है वो भारत में ही बनी है कि चाइना या दूसरे देश के तहत? इसमें तो चाइना का नहीं है मैडम, जो है जो भारत में ही है। क्या फर्क पड़ता है भारत से बने या फिर दूसरे देश से बनकर आए? नहीं भारत में बने तो सबसे अच्छा। अगर हमारे भारत में बनता है तो उससे आपको ज्यादा फायदा होता है आप आर्थिक तौर पर? भारत में बनने से ज्यादा फायदा होगा, अलग से आने पे थोड़ा सा वो कम होगा, मार्जिन कम हो जाता है। अपने भारत में बने तो सब अपने भारतवासी कमाएंगे उसमें, बाहर से आता है तो कुछ कम होता है। हम देख रहे हैं मार्केट में ये जो पारंपरिक दिए हैं मिट्टी के, वो गायब हैं, उसकी क्या वजह है? मैं उसका वजह कुछ नहीं है, आजकल लोग फैशन में ज़्यादा चले गए हैं। हम लाते ये भी हैं, ये भी बिकता है, प्लस रह गया ये कस्टमर फिर बोलता है हमें 1 रुपये में चाहिए, 1.5 रुपये में चाहिए, उसका भी दिक्कत है। और प्लस जैसे जैसे मतलब वो होता जा रहा है, मतलब फैशन होता जा रहा है, ज्यादातर लोग चटक बटक वाला चीज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं इसी से बस। अभी कैसी दिए चल रहे हैं, कौन से? तो मैडम हम यही लाते हैं, ये इंडियन है, बाकी वो चाइना वाली आती है जो पानी वाली, हम बेचते नहीं है क्योंकि चाइना सामान हमें बेचना नहीं है। इसमें हमारे पास चाइना का सामान कुछ नहीं, सब इंडियन ही बेच रहे हैं। चाइना सामान क्यों नहीं बेचना है? नहीं बेचना, हमें नहीं बेचना। आपको नहीं बेचना है कि आपको ऑर्डर्स दिए गए कि बेचना? नहीं नहीं, हमें नहीं बेचना, हमारा मन नहीं है, हमें नहीं बेचना। क्यों ऐसा? वैसे ही भारतीयता को प्रमोट करना है। जी जी, हम भारतीय हैं, भारतीय के लिए वो करना, हमें चाइना सामान में बेचना ही नहीं, बेचना नहीं। तो आपको आपके आर्थिक अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप चाइना के सामान नहीं बेचेंगे तो? हमें नहीं पड़ता, बाकी जिसको पड़े हमें नहीं पड़ता। 10 रुपये कम कमा लें कोई बात नहीं, अपना इंडिया का सामान बेचेंगे, क्योंकि त्यौहार हमारा उनका तो है नहीं, त्यौहार हमारा तो अपना सामान बेचेंगे, हमारा पैसा हमारे भारत में रहेगा, ये चीज। बहुत बढ़िया बोला आपने, बहुत अच्छा बोला। मतलब जो सरकार की तरफ से पहल की जा रही है मेक इन इंडिया, आप उस पर अमल कर रहे हैं? अमल कर रहे हैं। तो आप लोग ये दिए लेते कहाँ से हैं? ये बेटा कलकत्ते से आते हैं। हाँ जी, कलकत्ता से आते हैं, आगरा से आते हैं, लखनऊ से आते हैं, आप लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। जितना आप लागत लगा के इन दियों को खरीदती हैं उतना आपको वापस मिल जाता है? परिवार का पालन पोषण हो पाते हैं? पहले तो थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन इस बार नहीं लग रही है उम्मीद, जो मतलब जो हमने पूंजी लगा रखी है वो भी हमारे वापस आएगी। तो लोग पहले तो बहुत दिए खरीदते थे, अपने घरों को दियों से सजाते थे, हमने भी देखा है, वो
जो तरीका है वो पूरा बदल गया है। अब ये दिए बहुत कम दिखते हैं, आपको क्या लगता है, क्या है इसके पीछे का कारण? इसके पीछे यही कारण है, चाइनीस लाइटें वगैरह चल गए हैं, तो आजकल मॉडर्न लोग हैं, इतना मेहनत नहीं कर पाते हैं। अब इनमें बत्ती लगेंगे, तेले लगेंगे, तो इस सब के बजट बचाने के लिए चाइनीस लाइटें वगैरह यही सब लगा रहे हैं। परिवार में और कौन कौन है? मेरा लड़की है, लड़का है, आदमी है, यही सब है। सारे दिए बेचने का ही काम करते हैं? हाँ, फल भी लगा लेता हूँ, दिया भी बेच लेता हूँ, समय समय पर सब काम कर लेता हूँ। ठीक है, मैं अभी देख रही हूँ आपके पीछे जो आपकी दुकान है उस पर कई तरीके के दिए लगे हुए हैं, तो अभी बिक्री होती है कोरोना के बाद से या कम बिक रहा माल? कोरोना से मतलब ना कम बिक रहा माल। सुबह से कितने आ गए खरीदार आपके पास? अभी तो एक आया है मैम, अभी तो एक आया, एक पीस बेचा हूँ भाई, दिया बेचा हूँ एक पीस। सिर्फ एक पीस बेचे हैं आप सुबह से? तो ऐसे में परिवार का गुजर बसर कैसे हो जाता है? कैसे चलेगा मैम, अब दिन भर में देखो कितना हो जाता है, थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा, 1500, 5000, 2000, 4000 ऐसे हो जाएगा दिन भर में मेरे को। भाई आपका नाम क्या है और आप कब से रंगोली बेच रहे हैं? मैं हुसैन नाम है मेरा, 4-5 दिन हो गए रंगोली बेचते बेचते। दीदी बिक्री कैसे हो रही है? सही हो रही है दीदी बिक्री। तो दिन में कितना कमा लेते हैं? दिन में कम ज्यादा दीदी 2-3 हजार रुपए मेरी बड़ी बहन। दिवाली के टाइम हम रंगोली बेच रहे हो, बाकी साल के सारे दिन क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? हमारा लहंगे का काम है हमारा। बाद से आपके व्यापार में क्या असर पड़ा? मेरी बहन बहुत दीदी बहुत परेशान हो गए थे दीदी। हाँ, उसके बाद से रिकवर हुआ है? हाँ हुआ है। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 50 साल होगी। इतनी उम्र में भी आप ये बेच रही हैं? बेटा क्या करा, बड़ा गुजार तो करना। घर में कौन कौन है? बेटा घर में बुढ़ा है, बुढ़े के पैर चोट लग रही प्यार में। आपकी बेटी बेटियाँ? बेटी अपने घर बार की होगी, तो बेटे नहीं है। बेटा है। बेटा क्या करता है? अपना अपना गुजारा कर रहा वो भी। आप यहीं से हैं, दिल्ली से? हाँ बेटा, मैं तो बाहर था। अरे भाई भी दुकानदारी ना, ये भी हो ना रही, दुकानदारी ये भी ना हो रही कुछ। फिर भी कितनी हो जाती है, परिवार का पालन पोषण कर पाते उतने में? बेटा अपना गुजारा 2-4 दिन ऐसा, 10-5 दिन का हमारा खर्चा पानी निकल जाए, इतना ही हो पाएगा। साल के बाकी दिन आप क्या बेचती हैं? कुछ ना बेचते बेटे, दिवाली पे आ जाए 2-4 दिन। आप कब से ये व्यापार कर रहे हैं? ये कोई लगभग हो गया 25-30 साल के आसपास हो गया। मैं आपकी शॉप देख रही हूँ, बहुत ही सुंदर है, तोरण भी है, बंधनवार भी है, और कौन कौन सी सामग्री आप? दिवाली से रिलेटेड लगभग सारा ही सामान हम लोगों के पास होता है। अब जो जैसे कस्टमर की डिमांड है, देखो उसको पूरी तो हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो मेन मेन आइटम है, जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं, फ्लावर्स वगैरह, वो हम आपको दे सकते हैं। और शुभ दीपावली वगैरह भी है हमारे पास, शुभ लाभ भी है, दिए भी हैं, मिट्टी के दिए भी हैं, मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी भी हैं आपको, यानी कि जो भी आइटम मतलब रिलेटेड जो एक महिला की रिक्वायरमेंट होती है, वो हम उसको पूरा करने की कोशिश। अभी मार्केट में करंट किस चीज़ का ज़्यादा ट्रेंड है? मतलब मैं देख रही हूँ ये जो बंदरवार है, बहुत सुंदर सुंदर लगे हुए, तो लोग ज़्यादा क्या प्रेफर कर रहे हैं? देखो ये लोग तो मिले जुले आते हैं, मेन मार्केट की शॉप है, सबसे बड़ी एशिया की मार्केट है ये, लक्ष्मी नगर सबसे बड़ी मार्केट में कहलाई जाती है। इसके अंदर हर तरह का कस्टमर आता है, किसी को हल्का भी चाहिए तो किसी को भारी भी चाहिए, जो मेन मार्केट। तो इस बार क्या लोग पोल्यूशन की वजह से भी अपने घरों में हैं? और देखो हर किसी को सामान तो खरीदना ही है, पोल्यूशन है तब भी ठीक है, नहीं है पोल्यूशन तब भी सही है। जितने भी यहाँ पर लगे हुए सजावट के सामान, क्या वो भी मेक इन इंडिया के तहत है, इंडिया में ही बने हुए हैं, कि वो बाहर दूसरे देश से आया हुआ है, चाइना? देखो मैं नरेंद्र भाई मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और जो हमारे देश की बात है, जो देश की बात के लिए नरेंद्र भाई मोदी करते हैं, वो कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं कर पाया। जो इन्होंने मेक इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो सामान बनता है उन्हों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ना कि मेड इन चाइना। चाइना के आइटम पे जो मतलब कस्टमर है वो लेता भी नहीं है, और ये जितना भी हैंडमेड है, और हमारे देश में जो आर्थिक व्यवस्था बढ़ेगी तो हमारा देश तरक्की करेगा, तो हम ऊँचे स्थान पर लेवल पर आएंगे।